वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप विद अज़हर। दोस्तों आज हम क्विज़ करने जा रहे हैं, ग्रैंड क्विज़ करने जा रहे हैं EDU 302 का, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग का। और इंशाल्लाह ये 40 मार्क्स हैं, 40 में से 40 आएंगे इंशाल्लाह। और ये जो क्विज़ करने जा रहे हैं हम विदाउट एक्सटेंशन करने जा रहे हैं, और देखना कि किस तरह मैं ट्रिक्स आपको बताता हूँ विदाउट एक्सटेंशन, किस तरह आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्विज, और इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो अब स्टार्ट करते हैं, ग्रैंड क्विज करने जा रहे हैं EDU 302 का, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखें पहले मेरे 10 में से 9 मार्क्स आए हैं, अब इंशाल्लाह 40 में से 40 आएंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह। हु इंट्रोड्यूस ओपेरेंट कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म? बी एफ स्किनर है, उसने ओपेरेंट कंडीशन को इंट्रोड्यूस कराया। मज़ीद हम हैंड आउट्स में से चेक कर सकते हैं। स्किनर है, बिल्कुल ये स्किनर ठहरा, ये ठहरा ओपेरेंट कंडीशनिंग को स्किनर ने इंट्रोड्यूस कराया, बी एफ स्किनर। हाँ बी एफ स्किनर, ये बिल्कुल सही। सेव करके नेक्स्ट क्विज पे जा रहे हैं। अच्छा दोस्तों इस तरह करना कि ये पूरे क्विज को सिलेक्ट करने के बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप न्यू टैब में करना है, और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद वहाँ से एक या दो एलिमेंट्स, एक या दो वर्ड्स कॉपी करने के बाद यूनिक उनको हैंड आउट्स में लेके जाने हैं। अगर यहाँ से ना मिले तो EDU 302 लिख के एक न्यू टैब भी ओपन कर लेना। आप यहाँ से भी कॉपी करके चेक कर सकते हैं ये एलिमेंट्री ग्रेड, यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट किया 9 to 12 ईयर। ये देखें, अगर वहाँ से इजीली ना मिले तो EDU यानी जो भी आपकी बुक हो उसका नेम लिख के फिर वो उसका कोड लिख के सर्च करना, फिर देखना हैंड आउट्स फाइल में भी मिल रहा है, उसमें से एक दो वर्ड्स कॉपी करके वो आपको हैंड आउट्स में से ढूंढ के देगा। ये देखें 9 से 12 ईयर्स का बता रहा है। अब हम 9 से 12 ईयर सेव करने के बाद नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। ये डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ यूनिकनेस मीन्स, ये यहाँ कॉपी किया, अब हैंड आउट्स में पेस्ट किया, यूनिकनेस को कॉपी करते हैं, शायद हाँ इसमें से क्विज भी देख लेते हैं। क्विज क्या है, यूनिकनेस मीन्स, अब इसमें देखते हैं यूनिकनेस क्या मतलब है। ऑल द पैटर्न डेवलपमेंट सिमिलर फॉर ऑल चिल्ड्रन, ईच चाइल्ड इज़ अ यूनिक इंडिविजुअल, चिल्ड्रन डेवलप अ सेम पीस, चिल्ड्रन डेवलप इन आइडेंटिकल मैटर, चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट। सिमिलर, ये बिल्कुल सिमिलर सही आंसर है ये, हाँ चिल्ड्रन डेवलप एट सेम पेस, बिल्कुल सही है ये, यही आंसर है इसका। अब इस पर डबल क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप किया न्यू टैब में, वहाँ से दो वर्ड्स तीन वर्ड्स कॉपी किए और हैंड आउट में पेस्ट किए। हाँ अब क्विज देखते हैं। द प्रोसेस दैट ह्यूमन यूज टू एक्सप्लेन द डिफरेंट डिग्रीज अडॉप्टिव सक्सेस इन पीपल्स बिहेवियर इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। अब इसमें भी देख लेते हैं हैंड आउट्स में भी,
intelligence and an inferred process that humans use to explain the different degree of adaptive success in people. बिल्कुल यही है, इंटेलिजेंस है सही आंसर है. इसको हम पहले सेव करते हैं. सेव करने के बाद नेक्स्ट पेज पर मूव हुए. अब और पेज पर किया ड्रैग एंड ड्रॉप. ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद ये इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया है डॉक्स में. मैंने एक्सप्लेन यू बन थ्री ट्रेस ट्रेस डीके एंड डिस्प्लेसमेंट टू पॉसिबल आंसर. इसमें देखते हैं शॉर्ट एक्सप्लेन यूजिंग थ्योरी ऑफ स्ट्रेस एंड डिस्प्लेसमेंट. लॉन्ग टर्म यू एक्सप्लेन यूजिंग थ्योरीज ऑफ इंटरफेरेंसेस एंड लैक ऑफ एसोसिएशन. अब क्विज को देखते हैं. लॉन्ग टर्म कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द थ्योरीज ऑफ ये इन्फ्रेंस. ये इन्फ्रेंस थ्योरी है. ये देखें लॉन्ग टर्म के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्फ्रेंस एंड लैक ऑफ एसोसिएशन. तो इसमें इन्फ्रेंस है तो हम इन्फ्रेंस को ही क्लिक करेंगे. ये इन्फ्रेंस को क्लिक किया और सेव किया. नेक्स्ट मूव. मेमोरी कैन बी डिफाइंड एज कॉपी किया यहाँ. इसको पढ़ते हैं. थॉट्स एक्सपीरियंस प्रीवियसली इन वन्स लाइफ मेंटल फैसिलिटी ऑफ एनालाइजिंग एक्सपीरियंस एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम. आप इसमें भी देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग इंफॉर्मेशन ओवर अ टाइम. यूज आवर पास्ट एक्सपीरियंस टू डिटरमाइन आवर फ्यूचर पास्ट. प्रीवियसली वन्स लाइफ रिमेम्बरिंग एन एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग दैट रिसीव स्टोर्स एंड रिकवर्स इंफॉर्मेशन. यही होगा. ये मज़ीद हम इसको चेक कर लेते हैं. EDU 302 इसको कॉपी किया, इसमें फाइंड किया. मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस सेव किया. नेक्स्ट पर मूव हुए. डबल क्लिक करके सेव किया. ड्रैग एंड ड्रॉप किया. कॉपी किया. यहाँ पेस्ट किया. द एबिलिटी टू एक्ट प्रपोजली थिंक रैशनल रैशनली एंड एडली. अब इसको क्विज को देख लेते हैं. कौन सा एबिलिटी टू यूज एबिलिटी टू एक्ट ये नहीं है. हाँ ये एबिलिटी टू ये भी नहीं है. एबिलिटी टू यूज बॉडी प्रपोजली बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस. ये बिल्कुल सही है. बॉडी काइनेस्थेटिक बॉडीली काइनेस्थेटिक बिल्कुल यही है. सेव किया और नेक्स्ट मूव हुए. ये थीमेटिक अप्रोच टेस्ट कॉपी या फाइंड किया. पढ़ते हैं. द रिसर्च इन ब्लॉट एंड थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच पर्सनैलिटी असेसमेंट टेक्निक.
assessment of interest and work experience and personality by internal attitude creates behavior patterns. Internal attitude creates behavior. ये इसको कॉपी किया इसको हम और वैसे देखते हैं ये वीडियो फ्रिज रखो ये साइकोलॉजी एनालिटिकल मेथड ये कब ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया ये जो 302 ये हैंड ऑफ कॉपी किया एग्जांपल आर रिट्रीवल क्यूज फोटोज म्यूजिक प्लेसेस स्मॉल स्मेल्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर एग्जांपल आर रिट्रीवल क्यूज बिल्कुल यही है रिट्रीवल क्यूज बिल्कुल सही है सेव किया नेक्स्ट मूव हुआ इन्होंने मेस्टिक मेस्लाज आर्ग्यूड ह्यूमन नीड्स इन हायरार्की ह्यूमन नीड्स इज अ मोटिवेशनल थ्योरी इन साइकोलॉजी कंप्रेस अरेंज्ड कॉपी किया फाइल किया वीडियो 302 बैक किया ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मेस्लोज अरेंज ह्यूमन नीड्स इन हायरार्की 5-6 फाइव नीड्स हैं बिल्कुल सही है कॉपी किया इसको फाइल किया Try our theory is also referred as so hum यहाँ से सर्च भी कर लेते हैं कि यहाँ ये यह कहाँ ठहरा कॉपी किया पेस्ट किया नहीं मिला तो हमने फिर इसको कॉपी किया Identify three broad interactive intelligence.
इंटेलिजेंट। जे बी वॉटसन ये पहला जे बी वॉटसन है, साइकोलॉजिस्ट, विच वन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट बिहेवियरिज्म। फाइंड आउट में से भी ढूंढ लेते हैं, फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, हाँ जे बी वॉटसन, जॉन बी वॉटसन, ये ठहरा है, बिल्कुल सही है, सही आंसर है, ये जे बी वॉटसन ही है। डिवेलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम इसको हम कॉपी करते हैं, हाँ ये डिवेलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस, यही है, जनरल टू स्पेसिफिक, ये डिवेलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जन, हाँ ये जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, बिल्कुल यही है, ये देखो डिवेलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, सही है, सेव करते हैं नेक्स्ट लेवल को, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया न्यू टैब में, ये रोल ऑफ कंफ्यूजन वर्सेस आइडेंटिटी वर्सेस रोल ऑफ कंफ्यूजन, ये कॉपी किया, हाँ अब क्विज को देखते हैं क्या, द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टेज फाइव आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन ऑफ रिक्सन थ्योरी, अब इसमें देखते हैं, ईगो आइडेंटिटी सेल्फ इमेज स्ट्रॉन्ग सेंस बेसिक स्ट्रेंथ फिडेलिटी फेथफुलनेस, बिल्कुल फेथफुलनेस है, ये फेथफुलनेस, सेव किया नेक्स्ट मूव, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये कॉपी करके हैंड आउट्स में पेस्ट किया, वेरी एक्टिव, अब क्विज को देखते हैं, प्री स्कूल चिल्ड्रन आर वेरी एक्टिव, ये बिल्कुल सही है, ये वेरी एक्टिव, प्री स्कूल चिल्ड्रन आर वेरी एक्टिव, ये देखें, ये बिल्कुल सही है, ये सही किया नेक्स्ट पे मूव, इसको हमने कॉपी किया, कॉपी एंड उसको पेस्ट किया, द अर्लीस्ट इमोशनल रिस्पॉन्सेज ऑफ द न्यू बॉर्न आर जनरल डिफ्यूज्ड एक्साइटमेंट एंड दिस स्लोली गिव्स अ, लास्ट में देखते हैं एग्जांपल ऑफ विच प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल की एग्जांपल है, हाँ ये डिवेलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स,
ये इसकी एग्जांपल है, डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पांस, देखते हैं इसमें प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, बिल्कुल यही है, सही है। सेव किया, नेक्स्ट मूव हुआ। ये चेक कर लेते हैं, मैंने सेंस कॉपी किया यहाँ, इसको और वैसे कॉपी करते हैं, इसको ना EDU 302 सर्च करते हैं, हैंड आउट्स में ये, हाँ ये सेंस आ गया, हैंड आउट से कॉपी करते हैं, ये देख सर्च करके हैंड आउट से कॉपी किया, इस जगह अब पेस्ट किया। अब यू गॉट डिटरमाइन दिस सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग बाय व्हाट पनिश, हाँ ये ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ये ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ये बिल्कुल सही है। ड्रैग एंड ड्रॉप किया, प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन में वर्ड कॉपी किया, डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब क्विज को देखते हैं क्या है। ओवरऑल डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सिमुलेशन एंड अकोमोडेशन, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये बिल्कुल सही है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हेरिडिटी, ये हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही आंसर है। इसको सेव किया, नेक्स्ट मूव हुए। लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग इज बेस्ड अपॉन यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स, एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल एंड इथिकल प्रिंसिपल, बिल्कुल सही है। मज़ीद हम हैंड आउट्स में से भी चेक कर लेते हैं, ये कॉपी किया यहाँ से, यहाँ पेस्ट किया, हाँ बिल्कुल ये है, ये यूनिवर्सल एंड इथिकल प्रिंसिपल, बिल्कुल सही आंसर है। सेव करके नेक्स्ट मूव, कॉपी किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये कॉपी किया वर्ड नहीं मिल रहा, लेवेस्ट मन अडॉप्ट, ये कीवर्ड कॉपी किया, ये पेस्ट किया, हाँ अब क्विज देखते हैं। व्हेन डिड लेवेस्टरमैन अडॉप्ट द सैमन बेंट आईक्यू टेस्ट फॉर इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल चिल्ड्रन, 1916, ये 1916 में उसने इंग्लिश स्पीकिंग का टेस्ट अडॉप्ट किया, ये 1916 में, ये मज़ीद, हाँ ये 1916 में, बिल्कुल सही है। सेव किया, नेक्स्ट मूव हुआ। ये कॉपी किया, क्विज देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच थिंग प्लेज अ लिटल रोल इन फिजिकल डेवलपमेंट, लिटल रोल फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल, लिटल रोल, लर्निंग प्लेज अ लिटल रोल इन फिजिकल डेवलपमेंट, बिल्कुल लर्निंग है ये, लर्निंग
से किया लर्निंग। एरिक्सन को, एरिक्सन को सर्च किया और ये देखें इन्फेंट 18 मंथ्स अकॉर्डिंग टू एरिक्सन व्हाट कंफ्लिक्ट एक्सपीरियंस ड्यूरिंग सेकंड स्टेज 18 मंथ्स 3 ईयर 18 मंथ्स 3 ईयर ये ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम ये बिल्कुल सही है, ये वर्सेस शेम ऑप्शन ये देखें ऑटोनॉमी वर्सेस शेम सही आंसर है। सेव किया, नेक्स्ट पे मूव हुए। इसको सिलेक्ट किया न्यू टैब में, ये दो वर्ड्स कॉपी किए पेस्ट किए। हाँ अब क्विज़ देखते हैं। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंशंस एंड एक्शंस ऑफ पीपल। इंटरपर्सनल रीजनिंग इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंशंस एंड एक्शंस ऑफ पीपल। इंटरपर्सनल ये इंटरपर्सनल है, इंटरपर्सनल है, इंट्रा पर्सनल नहीं इंटरपर्सनल। ये सेव, नेक्स्ट। विजुअल एड्स टीचर शुड देयरफॉर यूज विजुअल एंड कंक्रीट एग्जांपल्स ड्यूरिंग द टीचिंग एंड अवॉइड टीचिंग मेटाफोर्स इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। टीचिंग अवॉइड मेटाफोर्स कौन सा लेवल है देखते हैं, लेवल देखते हैं। इंटेलेक्चुअल करेक्टरिस्टिक्स लेवल कौन सा है, ये सिक्स टू नाइन ईयर्स प्राइमरी ग्रेड्स ये देखें, प्राइमरी ग्रेड 6 to 9 ईयर्स सही है। Pure personality children at this stage tend to egocentric and struggle to see things. Pure personality जब अभी इसमें भी देख लेते हैं। Find pure personality सही है। ये देखें pure personality children at this stage tend to be egocentric and struggle to see things from the perspective of others सही है। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज से किया, नेक्स्ट मूव। कॉपी किया कैरोल। अब क्विज देखते हैं। कैरोल रिप्रेजेंटेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस एज हैविंग थ्री टायर्स ये देखें। कैरोल रिप्रेजेंटेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस एज हैविंग थ्री टायर्स सही है। थ्री टायर्स
सेव किया, नेक्स्ट मूव है। ये इस तरह के क्वेश्चन में एरिक्सन का वर्ड कॉपी करके ये पेस्ट और पांचवें नंबर पर ले जाना है। अब ये क्विज पढ़ते हैं। एरिक्सन व्हाट कन्फ्लिक्ट इज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द एट्थ स्टेज 65 इयर्स ओल्डर। ये देखते हैं 65 इयर्स ओल्डर एट्थ स्टेज ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिसअपीयर। ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस, हाँ ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिसअपीयर, बिल्कुल सही है। सेव करके नेक्स्ट मूव। ये हैंड ऑफ की फाइल में इरेक्शन, इसमें देख लेते हैं क्या है। साइकोलॉजी थ्योरी विच क्राइसिस डिस्क्राइब दैट पर्सन शोज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट टीचिंग एंड गाइडिंग द यंगस्टर। डेवलपमेंट स्टेज सोशल सिचुएशनल एंड पर्सनल इंटरेस्ट आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सेव किया, नेक्स्ट पे मूव। टॉपिक यहाँ सेव किया। प्लीज चेंज विच इज कपिंग क्लीन मोर देन इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। मैचुरेशन एंड लर्निंग बोथ प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। मैचुरेशन एंड लर्निंग, मैचुरेशन ओरिएंटेड लर्निंग डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ये देखें ये हैंडआउट्स में इमोशनल मैचुरेशन एंड लर्निंग बोथ प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। ये सही है, बिल्कुल सही है। सेव किया, नेक्स्ट पे मूव हुआ। एग्रीगेट डेविड वेचलर, डेविड वेचलर, हाँ बिल्कुल डिफाइंड किया डेविड वेटलर। ये डेविड वेटलर हाँ ठीक है। डेविड वेटलर हु डिफाइन इंटेलिजेंस द एग्रीगेट ऑफ ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एक्ट प्रपोजली। डेविड वेटलर सही है। इसको हमने सेव किया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हुआ।
ये हैंड नोट्स में से उसने बताया कि फलान जगह पर ठहरा, यहाँ से कॉपी किया, इधर पेस्ट किया। द एबिलिटी टू एक्ट पॉसिबली रैशनली थिंक एक्टली विद द एनवायरनमेंट इन आवर नॉलेज अडॉप्ट न्यू सिचुएशन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। The environment is known as intelligence, mental abilities. इंटेलिजेंस इज कल्चरल, हाँ इंटेलिजेंस, ये बिल्कुल इंटेलिजेंस है जी। हमने इसको क्लिक करके सेव किया, नेक्स्ट पे मूव। इसमें तो ये कॉपी किया एरिक्सन, एरिक्सन ई आर आई एसन एरिक्सन को कर, और पाँचवें नंबर पर गया। आप कोई कर देते हैं क्या है? फोर्थ स्टेज 5 to 13 ईयर्स। फोर्थ स्टेज पे क्या होता है? 5 to 13 ईयर ये इंडस्ट्री वर्सेस इनफीरियरिटी, इनफीरियरिटी 5 to 13 ईयर्स, 5 to 13 ईयर्स इंडस्ट्री वर्सेस इनफीरियरिटी। इसको क्लिक किया, सेव करके नेक्स्ट पे मूव। हायर ऑर्डर थिंकिंग जी, मेटाकॉग्निशन रेफर्स टू हायर ऑर्डर थिंकिंग। इससे कॉपी भी कर लेता हूँ ये मेटाकॉग्निशन रेफर्स, ये कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। ये इसको ना हाँ ये किया ना, हाँ ये हायर ऑर्डर थिंकिंग। ये देखें, मेटा कॉग्निशन रेफर्स टू हायर ऑर्डर थिंकिंग विच इन्वॉल्व एक्टिव कंट्रोल। बिल्कुल ये हायर ऑर्डर थिंकिंग है। इसको सेव किया, नेक्स्ट मूव है। इन क्लासिकल कंडीशन ये कॉपी किया वर्ड एंड ऑफ स्मार्ट का, अनलर्न इनबर्न रिएक्शन, अनलर्न अनबर्न देख लेते हैं। अनलर्न अनबर्न रिएक्शन टू एन अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस अन द प्रोसेस ऑफ अनलर्न रिस्पॉन्स टू रिमूव अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। बिल्कुल अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है ये, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ये सही है। सेव किया, नेक्स्ट मूव है। थ्री डिस्टिंक्ट लेवल्स ऑफ मॉरल रीजनिंग, तीन लेवल्स हैं एक देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें से
कॉपी करते हैं, कॉपी किया यहाँ पे, पोस्ट कन्वेंशनल नहीं मिल रहा, EDU 302 सर्च किया, नहीं मिल रहा, एज ग्रुप तो काफी जो थ्री सोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट ड्रामेटिक चाइल्ड दिस पेज यू सेव योर नेक्स्ट पेमेंट फॉर गुड ये कॉपी किया कीवर्ड यहाँ पेस्ट किया रिट्रीवल फेलियर थ्योरी है ये देखें फॉरगेट वही फॉरगेट बिकॉज वी आर नॉट एबल टू यूज द करेक्ट क्यूज ट्रेस थ्योरी डिकेट थ्योरी इंटरफेस रिट्रीवल फेलियर थ्योरी ये देखें ये रिट्रीवल फेलियर थ्योरी ये सही आंसर है सही आंसर है रिट्रीवल फेलियर थ्योरी बिल्कुल सही आंसर है। इसको अब हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। ये सेव किया इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया कीवर्ड कॉपी किया नहीं मिल रहा अब इसको हम क्या करते हैं विच मेंटल प्रोसेस बिकम्स ये काफी क्या हाँ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ये देखें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इसमें आ गया ये अब मैं आपको कहता हूँ हाँ इट रेफर्स टू चेंज बाई विच मेंटल प्रोसेसेस बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स एंड सोफेस्टिकेटेड ये आंसर है दी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट सेव दिया नेक्स्ट मूव हुआ ये कीबोर्ड को कॉपी किया ये कॉपी नहीं मिल रहा नौ करते हैं पीसफुल चिल्ड्रन इज ऑल एज ऑफ डेवलपमेंट व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज हाँ ये देखें ये 3 to 6 ईयर चिल्ड्रन जो है ये 3 to 6 ईयर एज चिल्ड्रन आंसर जो है 3 to 6 3 to 5 ये देखते हैं क्या कौन सा आंसर है 3 to 6 में 3 to 5 ये स्टूडेंट
ये सेव किया, नेक्स्ट पे मूव हुआ। ये मैच्योरी बन, अब काफी इसको करते हैं कीवर्ड को, वन मीनिंग दैट इज रेलिवेंट टू द टॉपिक ऑफ ग्रोथ द प्रोसेस प्रोसेस ऑफ बीइंग मैच्योर। दिस पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द पुबर्टी इन ह्यूमन। ग्रोथ, ये ग्रोथ टॉपिक है, ये ग्रोथ है। ग्रोथ का टॉपिक है, मैच्योरेशन है। अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ। ये सेव किया और नेक्स्ट पेज पे मूव हुए। सपोर्टिंग लर्नर डेवलपमेंट में काफी किया। स्कैफोल्डिंग, रोल ऑफ टीचर एंड अदर्स इन सपोर्टिंग द लर्नर्स डेवलपमेंट एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट स्ट्रक्चर्स टू गेट टू द नेक्स्ट स्टेज और लेवल। ये इसका आंसर जो है ये है स्कैफोल्डिंग। ये स्कैफोल्ड सेव किया, ये स्कैफोल्डिंग को सेव करने के बाद हम नेक्स्ट क्विज पे मूव करते हैं इंशाल्लाह। ये सेव किया और ये क्लोज किया विंडो को। अब देखें, मैंने पहले इसका एक क्विज किया, उसमें से 10 में से 9 लिए हैं और इंशाल्लाह ये 40 में से 40 आएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद काफ़ी है। ये देखें, पहले मैंने 10 में से 9 लिए हैं, अब इंशाल्लाह ये इस क्विज में, ग्रैंड क्विज में 40 में से 40 आएंगे और 100% एक्यूरेसी के साथ मैंने ये क्विजेज किए हैं। तो इंशाल्लाह बाकी क्विजेज भी इसी तरह ही करूँगा। और मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ ये ग्रैंड क्विजेज, क्विजेज GDPs वगैरह, और इसके अलावा फर्स्ट ईयर के लेक्चर भी अपलोड करता हूँ और सेकंड ईयर के लेक्चर भी अपलोड करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये स्टेप अप विद अज़हर के साथ हैं आप। और उसके अलावा मैं BSc के लेक्चर्स भी शेयर करता हूँ और जितने भी ग्रैंड क्विजेज हैं वो मैं करूँगा। और इंशाल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके अलावा ये जो ग्रैंड क्विज मैंने किया है इसमें भी एक्यूरेसी के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ मार्क्स आएंगे। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। ये स्टेप अप विद अज़हर के साथ हैं आप। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी या परेशानी हो तो वो मुझसे भी शेयर कर सकते हैं, मैं आपके क्विज, आपको क्विज करने में मदद करूँगा। और ये जो मैंने क्विज किए हैं ये एक्सटेंशन के अलावा मैंने ये क्विज किए हैं, और विदाउट एक्सटेंशन मैं इंशाल्लाह 40 out of 40 मार्क्स लूँगा। बाकी जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये लगता है थंबनेल, फिर कह रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों, अपने क्लास फेलोज को भी मेरे चैनल के बारे में बताना कि इस चैनल में मैं फर्स्ट ईयर के तमाम लेक्चर्स अपलोड करता हूँ और उसके साथ साथ सेकंड ईयर के भी तमाम लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ और असेसमेंट स्कीम के हवाले से भी मैं डिस्कस करता हूँ, लेक्चर बनाता रहता हूँ। और आपको एमएस वर्ड के बारे में सीखना हो तो एमएस वर्ड के बारे में भी मैं आपको गाइड, देखिए मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैंने एक और क्विज दिया है, ग्रैंड क्विज तो नहीं है लेकिन क्विज किया है, देखें उसमें मैंने अच्छे स्कोर हासिल किए हैं, 10 में से 10 मार्क्स हासिल किए हैं। ये असाइनमेंट्स किए हैं मैंने, ये बताता हूँ मैं आपको। हाँ ये देखें, ये वीडियो 512 के क्विज भी मैंने 10 में से 10 लिए हैं। ये देखें, आप में से कोई बंदा भी बग़ैर एक्सटेंशन के कोई क्विज कराना चाहता हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं क्विज करके दूंगा। और ये देखें, और मैं असाइनमेंट्स के मार्क्स आपको दिखाऊं, ये देखें साइबर लॉ के असाइनमेंट्स मैंने किए हैं। पहले असाइनमेंट में मैंने किसी और को कहा था, उस वो तो 5 मार्क्स हैं, फिर दोबारा मैंने दूसरी असाइनमेंट खुद की है, उसमें मेरे 15/15 मार्क्स आए हैं। ये और असाइनमेंट दिखाऊं मैं आपको, और क्विज़ दिखाऊं। हाँ ये मैंने एक और कोई स्टैट का क्विज़ किया है, उसमें मैंने ये 12 मार्क्स लिए हैं 20 में से। और मैं एक तरीका आपको बताता चलूँ कि हैंड आउट्स कैसे डाउनलोड करते हैं, ये मैं बताता हूँ। कोर्स सिलेक्शन में जाएं और डाउनलोड सेक्शन में जाके ये यहाँ से जो लिंक्स दिए हुए हैं यहाँ से हैंड आउट्स डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ग्रेडिंग स्कीम का पता ना हो तो भी मैं बता दूँ आपको, ये ग्रेडिंग स्कीम कोर्स सिलेक्शन में जाके कोर्स वेबसाइट में जाके फिर ग्रेडिंग स्कीम पे क्लिक करें तो ये ग्रेडिंग स्कीम, ये जो साइबर लॉ की है, 10% असाइनमेंट्स हैं, 5% ग्रेड डिस्कशन है, 20% क्विज़ हैं, 65% फाइनल टर्म है। और इसके मैं बता दूँ आपको ग्रेडिंग स्कीम, ये ED302 की ये ग्रेडिंग स्कीम मैं बताऊँ। कोर्स वेबसाइट में जाएँ और ग्रेडिंग स्कीम में जाएँ, इसमें असाइनमेंट्स 15% है, क्विज 20% और 65% फाइनल है। उसके अलावा अगर इसके हैंड आउट्स डाउनलोड करने हो तो ये डाउनलोड से जाएं और यहाँ से कोई भी फाइल जो भी आपको, मतलब अगर आप PPTX में लेना चाहते हैं फाइल वो भी ठहरी हुई हैं, और अगर PDF में लेना चाहते हैं तो वो भी स्क्रॉल कर लें नीचे भी दी हुई हैं। उसके अलावा अगर इसका ओवरव्यू लेना, कंटेंट्स देखने, कोर्स कंटेंट, तो ये कोर्स कंटेंट दिए हुए हैं, इस सब्जेक्ट के कोर्स कंटेंट हैं। ये मिड टर्म एग्ज़ाम तक कोर्स कंटेंट है। उसके अलावा अगर आपने ये CS
507 की मैं आपको बता रहा हूँ ग्रेडिंग स्कीम। ये ग्रेडिंग स्कीम मैं आपको बताऊँ इसकी। ये ग्रेडिंग स्कीम 10% असाइनमेंट्स हैं और 5% GDP है और 20% क्विजेज हैं, 65% फाइनल है। उसके अलावा इसके कोर्स कंटेंट, ये कंटेंट्स ये बता दें, ये कंटेंट्स हैं इसके। और ये भी मैं बता दूं कि ओवरव्यू, ये ओवरव्यू है कि किस कहां से लेकर कहां तक मिड क्विज है। ये पहले 6 लेक्चर तक अलग क्विज, फिर असाइनमेंट है 9 लेक्चर तक, फिर असाइनमेंट नंबर 2 15 लेक्चर तक, फिर मिड टर्म एग्ज़ाम 22 लेक्चर तक, क्विज नंबर 2 28 लेक्चर और 31 लेक्चर तक, असाइनमेंट नंबर 3 और GDP, फिर उसके बाद। उसके अलावा मैं आपको ग्रेडिंग स्कीम बता दूँ, ये 40431 की ये ग्रेडिंग स्कीम आपको कोर्स वेबसाइट से मिल जाए। और उसके अलावा ये ग्रेडिंग स्कीम में जाएँ, ये 15% असाइनमेंट 20% क्विजेज हैं और 65% फाइनल है। ये ग्रेडिंग स्कीम इसके बारे में मैंने बता दिया। और उसके अलावा मैं स्टैट का बता दूँ आपको, स्टैट की ये बल्कि इसकी मैं ADO 512 की ग्रेडिंग स्कीम मैं आपको बता दूँ कि इसकी ग्रेडिंग स्कीम क्या है। ये इसकी असाइनमेंट्स हैं 15%, क्विजेज हैं 20% और फाइनल 65% फाइनल। उसके बाद मैं आपको ग्रेडिंग स्कीम बताऊँ स्टैट की। ये स्टैट की मैं आपको ग्रेडिंग स्कीम बता दूँ, ये देखें 6% असाइनमेंट, 3% GDP और 26% क्विज, 65% फाइनल है। ये भी मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया। अच्छा, जो दोस्तों जिस किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो वो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हासिल हो सके। और उसके अलावा अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स भी करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी इस चैनल के वीडियो से रह न जाए, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहता हूँ और ट्रिक्स इसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ट्रिक्स भी बताता रहता हूँ। और उसके अलावा फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स भी अपलोड करता हूँ, सेकंड ईयर के लेक्चर्स भी अपलोड करता हूँ। तो काइंडली दोबारा कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एक बार फिर कह रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम जो है स्टेप अप विद अजहर, स्टेप अप विद अजहर इकट्ठे लिखना है अगर आपने ब्राउज़र पे सर्च करना है या यूट्यूब पे सर्च करना है तो स्टेप अप विद अजहर इकट्ठे लिखना है, इसके बाद एंटर करना है। एंटर के बाद मेरा चैनल सामने आ जाएगा, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन को प्रेस करना है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है, बेल आइकन को इस वजह से प्रेस करना ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। और मेरे चैनल को वॉच करने वाले सब व्यूअर्स को अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।